अभी एक चीज देखिए, प्रभु यीशु मसीह चाहते तो जकाई को गुलर के पेड़ पर चढ़े चढ़े ही बैठे बैठे भी तो आशीर्वाद दे सकते थे, बैठे बैठे भी कह सकते थे जा तेरे घर में उद्धार आ गया। और जब जकाई प्रभु यीशु के कहने से नीचे उतर आया, सड़क पर खड़े खड़े भी कह सकते थे जा तेरे घर में उद्धार आ गया। क्या प्रभु यीशु मसीह के वहां कहने से ही उसके जकाई के घर में उद्धार ना आ जाता? बिल्कुल आ जाता। तो सच्चा परमेश्वर, सच्ची सरकार जहां पर भी आशीर्वाद है वहीं पर कबूल है। पर प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं किया? प्रभु ने उसको पेड़ पर बैठे बैठे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? प्रभु यीशु मसीह ने सड़क पर खड़े खड़े उसको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? शायद ये देखने के लिए जकई मेरी आज्ञा का कितना पालन करता है, कितना नहीं करता। शिमोन पतरस को जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आप अपनी किश्ती को गहरे में ले चलो, उधर जाके कहा अब जाल डालो। क्या प्रभु यीशु मसीह जो है किनारे पर ही उसको शिमोन पतरस को मछलियां नहीं दे सकते थे? बिल्कुल दे सकते थे, वो तो अनहोनी को होनी में बदल सकते हैं। पर शिमोन पतरस को गहरे में जाने के लिए क्यों बोला? ये देखने के लिए मेरी आज्ञा का पालन करता है या नहीं करता, इसको भी कुछ करना चाहिए। कि इसको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसलिए कि जकई मेरी आज्ञा का पालन करता है या नहीं, मुझे अपने घर पे लेकर जाता है या नहीं, मेरे सामने कोई सवाल जवाब करता है कि नहीं, मेरे सामने कोई सोच विचार कोई शक करता है या नहीं। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।